गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए आई थी नी, माला डी हर दिन गोली खाओ, वे गोली जिन जिन लुगाइया ने खाई है नी 80% तक ज्यादा की बच्चादानी काट के फेंक दी ऑपरेशन तक, लिकड़ रही है नी। तो इनने धीरे धीरे करके यो सत्यानाश बड़े लेवल पे करा। तो ये बात यह है कि जब इस लेवल पे आ गए हम, इस हालत में आ गए भाई, जमा सबके बालक निमटान पे आ गए, सबके बालक अगर ठोक दिए। एक और चीज, ये भी एक आईडी लेने लग रहे। पहले के था, अगर आपके बच्चे को दवाई दी जाएगी तो पहला आपकी आज्ञा चाहिएगी, आप तब बात करेंगे, कंसेंट बोल रहे उन्हें, पेरेंटल कंसेंट, भाई माँ बाप तक पूछ कर दवाई देवेंगे। ई भी है उड़ान सुनो जी ध्यान था, एक बार ये चर्चा बड़ी गहरी चल रही। इस टाइम जो बात हो रही है स्कूल में, एक आईडी बनाने लग रहे हैं, नहीं अपार आईडी सुना है, खर्च सर्च करो ना, अपार आईडी बनने लग रही। अपार आईडी का मतलब है उस आईडी पे माँ बाप का एक बार साइन ले लेंगे, और फिर जब तक वो बच्चा स्कूल में जा रहा है जब तक कभी पूछने की जरूरत नहीं, सीधा टीका लावेंगे, सीधा गोली खुआवेंगे, उनकी मर्जी, परमानेंट परमिशन है वह। भाई देखो, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि समाज में एकजुटता नहीं रह रही, लेकिन यह बात झूठ है। जिस जिस गांव में हम जा रहे हैं, जिन जिन परिवारों के लोगों से ये सारा भाईचारा खड़ा, बड़े बुजुर्ग भी हैं, ये माँ की उम्र की हैं, दादी की उम्र की भी हैं, नौजवान साथी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप सच में समाज के साथ में हो तो हम आपके साथ में हैं। और इसी मुद्दे पर आप शुरू कर रहे हैं चर्चा। आप देखो सारा समाज इकट्ठा हुआ तो बात बने। इब क्यों हो रहा है, जोन से सबसे पहले बड़े पंचायती हुआ कर देनी, आज उनकी सब ज्यादा बेइज्जती हुआ है, क्योंकि गंदी ने ज्यादा मचा दिया, मानता नहीं कोई, रोला ही हो रहा है पंचायत का तो सिस्टम है खत्म। हाँ, और जो यो बात हो रही थी नहीं, आप बात जनबूझने वाली, उड़ता पैदा हो रहा है सारा। हाँ, बड़े बुजुर्ग वो है प्रेशर कई ग्रेंडर रहे। हाँ, वो खत्म हो लिया, क्यों, क्योंकि कड़ी किसी ने केस करवा दिया आगमन मनोपरेशान। पहले गांव के किसी बालक ने कोई बुढ़ा धमका दिया करता, और कोई नहीं चूं करे, तेनू अच्छा धमका दिया उल्टा चलता होगा, अरीब चाचा तो नहीं धमका सकता है, ठीक है नहीं बात। तो यह जो यह परिवर्तन आया नहीं, इसमें दिक्कत हो रही है। हैं तो हाँ, तो किसी गांव से है, किसी गांव से है, तो ये भी इसका देखो, यह बात तो आप सारे को उड़ान से रख ले, उतके उरे मार दस मान ला गया जीविका तो उरे बैठा था। इस टाइम क्या हो रहा है, जिस तरह आप बात करा भाई, क्या खतर कमावा है, तो कभी किसी से पूछ लो, अब भी बालक का खतर कमावा, बालक में जी नहीं रह रहा, बालक बीमार पड़े हैं, 40-40 किलो के बालक नहीं रह रहे, 4-4 फुट के बालक रह गए, आगे जितने ब्याह हो रहे बालक नहीं हो रहे, तो फिर कौन से बालक का खतर कमावा मारा जाए, समझ में आती है भाई। जनरेशन नहीं रहे, अच्छा जनरेशन नहीं रहेगी तो किसका क्या करेंगे, किस खतर करेंगे, ये बात तो मानने होंगे, अपनी जनरेशन खातर दिहाड़े पर आ, अपनी पीढ़ी खातर, अपने बालक खातर, सब कह रहे और पीढ़ी रह नहीं रही, बहुत नुकसान कर दिया अपनी जनरेशन पे, जनरेशन पे पक्की बात है, पक्की बात है, मैं ये वादा करके तो भी नहीं होगा ताऊ, ओ यानी इस टाइम तो 90% आदमी आज गुजरन लग रहा है, नहीं हार्ट फेल और हार्ट अटैक में, ये इसे टिक्का तो लग गया, टिक्का तो हो गया जुबान के गए, भाई सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है भाई, बहुत चक्कर पड़ रहा नहीं, यह बात सताई थी। अच्छा, छोरा चुटपर का था, अरीब भी जाके पूछ लो थी, उसे दिखा पहले किताब दिखाई थी उराले में ले आया कहने सिल्लू चुटपर वाला सिल्लू, हां ऊपर लगा किसान नेता हमारा डब्बी है साथी हमारा, उसी है जो गौशाला खोल रहा है, हां गौशाला खेल रहा है, आयुर्वेद का काम कर रहा है, उसी ले आके दिखाई थी थी निवलिया रे भैया, तो मैं पहले देख लो या दिक्कत लिख गया, तो बीमारी आनी है, आनी तो आया कर दी, ना लुआओ मेरी बात मान जो, फिर न्यूने को फिर लोग सियाने रहेंगे, महाराज भी उचाने में कम से कम टोटे तो इनके 5-5 रुपये देख रहे कैट ली, उन्हें टिक्के नहीं लुआए, आराम ने ज्ञान नहीं था इस बात का, देश हुआ अरे को इतने पर गर्त बनाई लोग इनती इस बात में, ये बात दिक्कत हुआ। अच्छा देखो, यह तो बड़ी बात होगी भाई, आज उरा नगर में ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ तो अच्छा। अच्छा देखो, एक चीज़ हो रहा है, अपन है जब ये टिक्के लग गए नहीं बड़े भाई, ये टिक्के लग गए तो टिक्के के बारे में अगर देखो, सारे भारत में सारी पार्टी अलग अलग थी, किसी ने मना कराया, कोई एक पार्टी ने मना कराया, खुद नहीं बेरा उनका, वे नहीं लुआंदे, उन्हें बेरा था इसका केस, हाँ उनका नहीं टिक्के लाए, कोई नेता नहीं टिक्का लुआया,
एक नवीन टीका लगवा रखी और पब्लिक कलवा दिए मोदी ने न्यू दिखा दिया जैन के ने आगे और रबड़ाली सुई थी बताओ रबड़ाली सुई के लगवा करवा लिया और नहीं किसी इनने नेता को बता दिया मैं टीका लगवा लुआया अच्छा आपने लुआ था लुआ लिया परेशानी आ रही बड़ी दिक्कत क्या दिक्कत आ रही दिक्कत है जो अगर पहले मैंने कोई दिक्कत नहीं थी हार्ट अटैक में एक दो बार झटके लग ली ओहो इस तरह लग गए कोई दिक्कत नहीं और 90% परेशान लग रहे हैं मेरे को दिक्कत आ रही है बहुत तो यो तो फिर जो गांव समाज का सत्यानाश हो गया भाई समाज का इन नौजवान बड़का है बच्चे होने में मुश्किल होगी आगे सच्चाई बात है हाँ हाँ सच्ची बात है तो फिर इन जो इन अपना फायदा देखना है इतने की यहाँ जो मैं MP बने खतर मैं कह मैं बन दू न्यू बन दू ये उतने एक को एक ने त्याग दिया बता दो किसे न्यू बता दिया महल ने मैं किसानों का लाया हूँ आज ये भाज भाज के न्यू गया ना मैं तो बहुत बढ़िया आदमी थे अच्छा ये सब ने निपटाया देख फिर करेंगे के निपटाया इनकी बहुत गहरी चाल है हैं। इनके तो बालक बचेंगे हमारे में ये तो और मरेंगे इनके थोड़े मरने बालक तो अरे ये तो फिर जो कुनबगा निकलने का काम फिर तो और क्या छोटी बात थी ये तो गिरी गिरी खावे है अरे भाई ना और कोई दिक्कत है हमने ही दिक्कत है हाँ गामा में ज़्यादा ये बोले लोग थे आकर बुका लिए बलवा टीका बस मन बिठावांगे अगर तो मुश्किल हो जाएगी अच्छा न्यू भी कहा अगर टीके ना लोग तो बीमार हो जाओगे बीमार होने की कोनी कही नहीं ना ना बस में कही मन बिठावांगे तो बस का टिक्के अगर पिलसन का तो कोई मतलब नहीं रहा फिर भैया इसमें लोभ दिया था औरत है बड़कन नहीं है तेरे नाम काट देंगे मजबूर कर दिए यह बात दिक्कत आई है फिर वो बोल नहीं इसमें आगे हम तो बात करना चाहते कदर कड़ी पेपर मन बैठन दिया कड़ी फिजिकल मन बढ़न दिया कि टिक्का नहीं लगा कड़ी बैठने नहीं जाएंगे तो हम टिक्का लग दे बैठ के उड़ जाता है और तेरा भला बैठ के पहले दरिब जुबान भी बैठेंगे सस्ता अच्छा एक और चीज देखी जो मैंने महसूस हो रही इसे लग गया नहीं है खिंडके वाले सारे खत्म कर दिए सारे घर क्या लग रहे घर क्या कदम हमने कौन लगन दिया अच्छा बच गए बुढ़िया तो बचा दिए थे मैंने खुद लुवा लिया था क्यों साहब बड़का गए बड़का बचा दिए बालक बच गए बकड़ी बड़न कौन तो कौन देन दे मैं खुद तो यह बात कहूं सारी यानी ट्रवा शरीर ने पूरा यानी गर्माश नहीं होएगा शरीर में तो यो तो सिर की कोई बड़ी बीमारी भी बना इसका हां बना इसका ये तो दवाई चला ली और तो हो गया और प्रेगनेंसी का सुनी थी मैं हमने भी देख साथी एक उठी है बोले भाई प्रेगनेंसी होने को देन दे टीका हां तो ताऊ कह रहे नहीं बालक होने में दिक्कत आ रही वही बात हो गया तो यानी शरीर में हीटिंग इतनी देवे को अंडन पैदा नहीं होने देता अच्छा तो हाँ मतलब अबॉर्शन की बात होती रहा है इब एक चीज़ और देखो फिर ये बापा ने इस बात का सारा बेरा लग रहा और ये जितने चोर इस टाइम ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फिर 50-50 लाख की 1 करोड़ की तो फिर इन आप पूछ दे भी तो कौन ही बस यूए तो रोला हुआ है क्या तो इन्हें पकड़ लेने तो रहने कट जाए भाई फिर तो देख पकड़ना चाहिए है तो जय मारा कुनबगा देखो ताऊ कह रहा कुनबगा निकलने का रोला पड़ रहा और आप पूछ दे नहीं किसान आंदोलन तो चलो लटका के रह गए आप जीत आए लेकिन यो कुनबगा निकलने के 100% लोगों के ला दिए तो इस तरह दिक्कत कितनी बन रही है अच्छा अग्निवीर के बारे में कुछ समझ में आई थी मामा हमने छोड़ दी अग्निवीर भाई अग्निवीर के बाद दे छोड़ दिया नहीं करीब 80% बच्चे छोड़े गए सारे प्रैक्टिस करने देखो एक चीज और देखी होगी आपने लगभग तीन साल उन्होंने हो रहे अग्निवीर ने 3 साल पहले पूरे हरियाणा के सड़क पर तड़की 4 बजे सांझ ने 4 बजे जाया करते तो लारा लग गया करता है नहीं मतलब उन मैनू दिखा करता भाई हरियाणा बसा है सब खत्म हो गए और ये बालक मन ही साला के नशे का नहीं जान लग रहे बजाएंगे एक बार प्रैक्टिस तो उनका मोह भंग हो गया और उन्हें काम धंधे नहीं तो नशे कह देंगे और कड़े देंगे फिर एक बात बताओ देखो जो सी आप बात कर रहे नहीं भाई हो या तो चाचे बैठे बैठे हम काफ़ी दिन तक इस पर बात कर रहे मैं अपनी बताऊं मैं 2011 तक बीटेक करी थी मैंने और इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ गए और मैं 2011 तक अभी 2024 हो गए खेती पर काम कर रहा पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर बिना बाजार यानी एक दाना यूरिया भी नहीं गिरना एक दाना DAP भी नहीं गिरना और पैदावार पूरी आ जाएगी उसकी बिना खाद वाले जाके फिर अच्छा फिर आप क्यों बदले बस ई बे ज्ञान होया डरने के शुरू में ई बगली गेट यू करूंगा विश्वास हो गया विश्वास पक्की बात है पक्की बात देख लियो और सीधी बिजाई कर रहे हो ठीक है सीधी बिजाई करी या भैया का भी मिट गया था खर्चा उसका और इसमें भी सारा उसका खर्चा मिट गया इसलिए यूरिया का एक कट्टा गिर रहा थी
बाकी मूत का गऊ का मूत लिया हुआ है, हरीशा साइड छूट के पचांगा, सात रुखा ही माटी उसे स्प्रे कर रहा है, गुड़गाड़ घोला है उसमें फूल फलांगे और स्प्रे कर रहा है, अरियो को जाके देख लो पैदा और अजड़ बैल है। चलो एक सारे आप पाँच छः जने बैठे एक मतलब विचार पे एक मत आप होंगे कि ये जितने चोर इस टाइम फिरे हैं ये क्या है जोगे को नहीं, तेज बोल, तेज बोल लो तेज। कौन साहब भी क्या है जोगा को नहीं, सारे हैं चोर हैं, इसमें तो कोई दो राय को नहीं। फिर इलाज है नहीं पब्लिक, अगर इलाज करे नहीं जी पेंडा छूटेगा, इलाज तो कर दे नहीं इनका, इलाज तो ये करने लग रहे हैं। सवाल पूछा था उस पे एक दुष्ट पे नहीं, चलो अगर सवाल पूछ लिया और उसके लाद सो गए इसका मतलब हम अपने बाल का खतर न्यू तो नहीं कह सकते ना भाई, बोल दे को नहीं भाई क्या करा, बोल दे लठ मरवावे इनकी, अब मना इनके लिए रह के देख लिया ये क्या काम करेंगे, ये तो बोल दे इलेक्शन है जूरड गया तो रड गया तने महीने पर ठवा के नर लठ मरवा कितने चोईसा कर दे तेरे खानदान तो जा और मैं जे इन्हें इनके पावर हो जे है अपने पावर नहीं है इस बात की, इनके तो जो पूरे परमिट बने हुए हैं भाई कितने किसी ने मरवाओ किसी ने बचाओ, मारा भैया तो दिक्कत आएगी सहेगा मैं बोल पड़ा तो फिर संभाल कर है। फिर जब आप बोलना बंद हो गए तो बालक मारे गए फिर तो कोई समाधान नहीं बचा, तो भाई समाज जब लगे एक नहीं होगा ना, जब लोग कोई भी सेटिंग सिस्टम आएगा फिर समाज तो एक करें तो होगा करा कौन, बड़े बुजुर्ग चले कर दी तो जिंदा ही बड़े बुजुर्ग को सुनता तो सही नहीं रोला, बड़े बुजुर्ग ध्यान तो सुन लग रहा। देखो के चीज़ है कि अगर बड़े बुजुर्ग तो इन्हें साजिश तो निमटा दिए क्योंकि लगभग लगभग खिंड के वाले तो इन्हें मतलब गड़बड़ कर दी, ईब के चीज़ है कि जिम्मेदारी तुम्हारी है नहीं जर, नहीं अगर अपनी पिड्डी है उनने तो अपना बड़े पैल पैल पुल कर पैल पोस कर बड़े कर दिए, ईब जुए तो अपना अपनी जिम्मेदारी निभा गए या आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, इब अगली जिम्मेदारी तो फिर किसने ठानी हो तो ठानी पड़ेगी तो अपने पे जोशन पड़ेगी आगे तो इतनी कंपैन है नहीं ये समुद्री जाजा की ये जेपी के इनके शीर रे चुटाला हो गए अडाडा न्यू का है नाम आ रहा तो बैर है और इनकी सतविंदर राणा ले ले तो इनके शीर रे होटल मतलब ये लोग 2000 करोड़ के इनके होटल इनके इनके शीर के मतलब पब्लिक तो आएगा बतावेंगे अगमारे रोले हैं रोले हैं अरोड़े बैठ के इकट्ठे शराब पीवे है नहीं रोटी इकट्ठी खावे रोटी खावे 2000 करोड़ के होटल है इनके। फिर ये तो इसका मतलब समाज जो ये आम लोग हैं बेवकूफ रह गया, फिर समाज बेवकूफी ने मामले जानने नहीं वोट दे दिया ना अभी हां फिर इस पर तो काम करना चाहिए, फिर करना चाहिए फिर क्या करा आधे न्यूज लाई दिया कहने रजी ना तो ना तंग करे जी इब क्या होया सवाल जवाब हम परसों डोला में थे डोला गांव में और जिस तरह माँ बैठी है न्यूए लगभग 50-60 लुगाई बैठी थी हम उन तक लागे पूछना थारी समाज में इस टाइम उन तक पूछांगे सब तो बड़ी दिक्कत के आई उनने न्यू बताया अगमारे खैतर सब तो बड़ी दिक्कत आ रही है अखठावे चलका और टेम तो पहले हम बिना माँ बाप तो पूछर बैठ जाए छोरी या छोरे भी तो ये अर्ज है माँ बाप विरोध करे तो पुलिस लठ मारे इसका क्या करा इसका और इस पर बोलनिया कोई नहीं बोलनिया कोई नहीं फिर भी मड़ा तो इन्हें इन्हें छोरिया नहीं सोचना चाहिए बस तेरे माँ बाप की इज्जत की है फिर सोचते क्यों करे संस्कार नहीं दिए बड़का नहीं संस्कार तो टेलीविजन देना आप दिखड़े दे टेलीविजन तो उल्टी सी क्या सारी और फिर वो टेलीविजन फोड़ना पड़ेगा फिर कानून सी क्या है अभी टेलीविजन फोड़ना पड़ेगा कानून कर लिया अच्छा कानून आप पे धक्का दिया है मांग करी आपने कानून तो इन आपने आपने महंगे था कोई धक्का दिया है मतलब एक और चीज देखे भाई कमाल की है हम जो यो अपना एमएलए एमपी बनावा एक नियम है संसद का कि ये प्रतिनिधि हमारे जो कानून की मांग उठेगी प्रतिनिधि तो बताया जाएगा उन्हें प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हल्के में या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर और लोगों तो बात करेंगे भाई इस टाइप का कानून बनने की मांग हो रही आप बताओ क्या करोगे आप तो पूछा कभी आज तक कोई ऐसा केस आया है अगर किसी पूछा हुआ है कर को पूछ के लोकल एरिया में आ गए कुछ इसने समझना पूछना करना ऐसा तो मतलब इन खत्म हो जाए तो इलेक्शन बस 8 तारीख है जुगर अपनी पे 8-5 उस पर कांटा मारते हैं फिर दें दिल्ली लग दें बैठने फिर उन डांस के है लोकल की तो फिर ये बात ये आएगी फिर तो भाई मजबूरी होगी भाई फिर करा तो करा गे देखा पर रुक तो सकते नहीं हाँ रुक भी नहीं सकते कानूनी नहीं खतर बना था खुदे खतर यूज करे इसकी सोनिया गांधी थी या मुसलमान ना चल गई थी सॉरी कानून तो कर लिया उन खतर लागू कर दिया मारते इंदिरा गांधी हाँ इंदिरा गांधी उस टाइम में कानून इनका आपस में खड़े थे इनने कानून बना दे नहीं खतर वो तो ये तो इबी भी कराए ये तो रुक के मारे हिंदू मुसलमान ना गए आपस में करे तो इबी भी हैं पर करे तो फिर मार तो दिक्कत आएगी इनमें गम हम दिक्कत आएगी भाई बड़ी बारी बड़ी बेइज्जती हो रही है लोगों की हो रही है नहीं फिर इसका क्या करा कानून आपने चाहिए वो मिला है ना मतलब ये नहीं
भाई तो देखे यू हम तो अच्छे कानून ये भी हैं आपस में ये इसमें अपना अपने गोत में नहीं रिश्ता होना चाहिए रिश्ते नाते नहीं होना चाहिए गांव गुआंढ में नहीं होना चाहिए जाति दूसरी जाति में नहीं होना चाहिए अपनी जाति में बीजों कट दे रहे हैं सुख शांति हो जी और फिर दूसरे हम ज्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है इस बात की। फिर एक बात बताओ आप अपने अपने घर बड़े बड़े रो पीट कर लिया कुछ करना चाहिए सबसे बड़ी बात तो यह है तो करना चाहिए कि नहीं कुछ करना चाहिए बात यह है सारे मिलकर समाधान हो इसका है और उसमें सियाने दस दस आदमी पंद्रह आदमी उसमें सियाने हो अब अपनी सलाह बाड़ी पंचायत इकट्ठी करके बातचीत करें उसकी सुनवाई होनी चाहिए फिर गांव में करो करो शुरू फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो ये तो बड़ा ने तो कोई बोलने को नहीं देगा ठीक है बड़ा की तो बड़ा तो कहले साफ साहिब है एक तो नई पीढ़ी कर सके हाँ भाई नई पीढ़ी नई पीढ़ी तो वही कर तो की फिर एक भी तो प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट के जितने कानून बने रहे हैं या बनाने लग रहे हैं उनका भी तो प्रेशर इतना पड़ जाएगा बोलने दें दे या तो ये कानून है नहीं गवर्नमेंट इन कानून तोड़ कर पंचायत लेवल पर छोड़ दा अपने जो कर पहले ये करता है नहीं गवर्नमेंट नहीं छोड़ दी गवर्नमेंट तो यह सत्यानाश से कर रही बात यह है कि आप के करा अपने तो हाथ में यह है अभी पंचायत तो वजूद हो गया खत्म है घर घर तो सेटिंग आए जो कर तुमने बताई थी मैंने कर लिया अगर मेरा सूत्रा काम न्यू तो चल जे तो को करे फिर एक काम कर ले अपन एक काम तो कर सका भाई मेरे समझ में आ गई मैं वही बात आप तो बता दियो आपके समझ में आ जाए फिर आप दोनों इकट्ठे मिलकर किसी पड़ोसी दूसरे भाई दोरा चला प्रक्रिया तो चल जे तो चल फिर इस पर कर सका अपन याद है बस इस तक आगे कोई प्रक्रिया नहीं क्योंकि बड़े बुजुर्ग और पंचायत थाना तो सिस्टम अपना खो दिया वो तो देखो हो गया ई जिम्मेदारी तो अपनी है देखो इसमें एक चीज आवेली कड़ गए एक तो न्यू को अग भाई मेरा नाम सुनील है भाई सुनील तेरी बात ठीक है एक काम करा जिसा टाइम लगेगा हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा एक दिन दो दिन या अगर आप खेती कर रहे हो तो फिर सारा टाइम खाली है आप इकट्ठे मिलकर और दस बीस अपने जो नौजवान साथी हैं उन्हें बैठ कर उन पर बात करा अड़े वे में आप काम कर लेंगे कमेटी बन जाओ बैठ लो जिस तरह भी है कमेटी बन जाओ तो और बढ़िया जब यह बात कर दो तो हम तैयार हैं फिर आप दोहरा तरीका रुक तो नहीं सकते ना अपने बाल का खतर क्योंकि देख मैं एक बात बता रहा खड़े हो गया नहीं तो इसमें राजनीति वाला तो कोई कुछ करता को नहीं है ये कड़क रहे थे इन्हें तो फायदा कोई नहीं फिर उस भाई तो पूछ लेंगे तो यू रोला है नहीं कर लिया कुछ जब लगे खुद नहीं खड़े होंगे नहीं इकट्ठे हो कह रहा आपस में नहीं कराए कौन ही सेटिंग गवर्नमेंट तो न्यू रख गया अपन आगे तक आगे ही सेम है क्योंकि उनके बालक हैं नहीं स्थिति में न्यू कराए हुए हैं कड़ी दूसरी जात में कर लिया कड़ी वो कर लिया उन्हें मतलब है नहीं इस जात का अब कह रहा अपने पर प्रेशर पड़े इस चीज़ का समाज में तो व्यवस्था बिगड़ा है नहीं व्यवस्था बिगड़ा अपना प्रेशर पड़े इस चीज़ का अपने तो गणा हुआ है अच्छा जो अपना मुद्दा है नहीं जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे भाई आपका नाम क्या है अमरजीत भाई हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यो है कि उराना जो बैठ जाओ चर्चा यह है कि इस टाइम जिस तरह मैं 13-14 साल तक खेती पर काम कर रहा बिना केमिकल की खेती पर पूरी पैदावार तो अगर इस टाइम देखो आपके गांव के बारे में बेरा लग गया इन्हें जोड़ा देख कर तो बड़ी खुशी हुई अगर आपके गांव में झोटे बच रहे हैं शायद पूरे हरियाणा में पहली बार पता चला कि इस गांव में बढ़िया नस्ल के झोटे हैं नहीं तो लगभग अगर इस गांव ने अगर छोड़ दिया क्योंकि 6,000 गाँव में तो एक गाँव का कोई ज़्यादा वो को नहीं होता परसेंटेज में भी नहीं पड़ती पूरे हरियाणा में लगभग 90% तो ऊपर जो गर्भाधान है पशुओं का वो टीके का है तो बीज मारी होने ली सबसे गहरी चाल है सरकार की पशुधन खत्म करने की सरकार तो अच्छा सोचा लेकिन जो बीच में मीडिएटर हो है नहीं वह अपने पैसे कमाने खातर नकली जो टैंक कट रहे हैं बीज ले आवे हैं और रख दें सिर्फ पैसा खातर 10 रुपये एक्स्ट्रा ले आओगे 200 रुपये रख देंगे चले जाओगे 190 रुपये बन गए उनकी ये सबसे मेन कमी है लेकिन अगर जो डायरेक्ट मीटिंग करवाओगा तो उसमें जो झोटा का सबसे मैन सिमसो वो कंसीव करा जाएगा और उससे बच्चा भी बहुत बढ़िया हाँ, सही बात है लेकिन जो स्ट्रॉबर है नहीं उसमें तो सारे मतलब भर हैं वो मैन पता नहीं किस में चला गया ठीक है बात अगर झोटा डायरेक्ट मीटिंग होगी तो मैन ही मीटिंग करेगा तो एकदम जब तेज होगा हाँ एकदम ठीक बात है पूरी प्रकृति के हर जीव में ठीक है इसीलिए बच्चे माड़े आम हैं अगर मतलब डायरेक्ट मीटिंग ले होगा तो बच्चा बहुत बढ़िया होगा दूसरा नंबर पे जो खेतों का 100-100 किले के मालिक है जिनसे फसल पैदा करें और बीज लेने जावे दुकान पे यो भी चक्कर नहीं है खतरनाक यो भी तगड़ा चक्कर है अपने तरह बीज नहीं रह रहे नहीं अपनी प्रोसेस के द्वारा बनाने को नहीं बीज है दूसरे पे डिपेंड करे हैं
सोचा अपनी फसल तो सारी बेच दे, या सबसे बड़ी कमी है अपने किसान की, अपना बीज खुद तैयार कर नहीं तो उसका बहुत फर्क है, अगले के पता किसा दे मैं। लेकिन इसमें तो अगर जमींदार का जी कर जाएगा भी हम अपना बीज तैयार कर लिया, लेकिन तेन कोई उन्नत किस्म आएगी 80 मन की और पागल नहीं होता रहा। वो यूनिवर्सिटी के सिस्टम है भाई साहब, हम भी सर्च करें ऐसी बात नहीं है, सर्च तो करें पर अपने तो बीज तो कौन छोड़े, गुलामी आएगी, गुलामी तो आएगी, बीज के नाम पे गुलामी है क्या जी बाबा, पूरी तरह दुकान पे डिपेंडेंट हो गए तो। हाँ गुलामी है, कई फसल एक बात होगी तो अगर बीज बना ले देने को सरकार घर जो बीज है नहीं उसी लेने ना ही तो नकली बीज इतना नकली इसमें आ रहा है। एक समाज की एक बात और बताऊंगा भाई, मैं भाई कह रहा था मैंने सुना था यानी इंटरकास्ट मैरिज हो गया है जो चीज़ या सबसे भयंकर बीमारी है, मैं तनाज बताऊं या जो नस्ल है और वह जो नस्ल है दोनों में फर्क है, पूरा फर्क है, फर्क है जमा जेनेटिक स्ट्रक्चर का पूरा फर्क है, जिन्हें कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज होना, इंसान तो एक है, देख गए तो सारी एक है, होंगी गए तो सारी जमा सही है, नस्ल अलग अलग, नस्ल अलग अलग है, यह इंसान बात एकदम सही बात है, सही बात है, लेवल का फर्क है, और जो गोत बना दी नहीं गोत बना दिए वो जेनेटिक स्ट्रक्चर हो है, जेनेटिक स्ट्रक्चर इसलिए बनाया भाई वह कास्ट उसे तो ना भिड़ा है, वो खून उसे तो इंटरमीडिएट ना हुआ ना हुआ, हाँ इसलिए गोत बनाए गए हैं, और जात भी इसीलिए बनाई गई थी भाई तकड़ा तो हमारा जो बुढ़िया का ज्ञान था उसने खून की तो साजिश है, पूरी खून की साजिश है। अच्छा इसमें एक और बात है कि बुढ़िया की इंसान सारे एक से प्यार शब्द करो, नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है, इब जिस तरह एक और बात है ये माँ बैठी नूंगे ताई बैठी इब उनूंगे हालना ही रहा मैं इब जिस तरीके से यह बात चल रही नहीं, दाई थी दाई जानबूझ खत्म कर दी, और इब जितने बाड़े के ऑपरेशन गए हैं और जो उनसे ऑपरेशन गए सारे कमजोर हैं, असल तो ही नहीं रहे, वो तो समय का भी खेल है, समय पहले मतलब फर्स्ट कुछ लोग थे जो बच्चा जन्म कर दी काम कर दी करती बच्चा नहीं दे उस समय तो खेती ने बदल दिया, नहीं खेती का जहर खाया तो बीमार हो गए, पेस्टिसाइड आ गए ना तो शरीर दी वो तोड़न पांदा न्यू के न्यू शरीर में जमजे कैंसर के कारण बने और ये सिस्टम सारे खराब हो, तो इसका मतलब तो सारे जगह बर्बादी का राह बन लिया, बर्बादी का है कोई कुछ कर नहीं सकता, सरकार भी चाहे जो भी किसान मानता नहीं उसकी बात है, ना ना सरकार ने बनाई, अच्छा सरकार मतलब चुनिंदा गिने चुने लोग हैं, लेकिन जनता की तो कोई वही नहीं है ना कि जनता क्यों नहीं कर सकती भाई मिलकर, जनता भाई थोड़ी थोड़ी जमीन होगी, लोग सोचे अपने द्वारा ज्यादा ज्यादा नो पैसा आवे देखो मैं ये सारे सुनने लग रहे बड़े भाई ताऊ सुनने लग रहे ताई सुनने लग रहे आप मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं लगभग आधे पौने घंटे तक उसमें एक चीज़ जो मैंने खराब लगी और वह इस टाइम हो भी रही है कि हो रहा है कि दर्द तो सबका है अब भाई समाज का सत्यानाश कर दिया लेकिन आपने राह नहीं पैरा मैं आप तो बताऊं देखो मैं आप मैंने शायद पहचान जो या उस मुहिम तक पहचान जो हमारा एक मोर्चा है जनता सरकार मोर्चा देवेंद्र बलारा का नाम आपने सुना तो है ना वो हमारी टीम हमारी टीम है वह हमारी टीम ने पूरे देश में गौने करोड़ लोग बचा दिए इस टिक्के वाली मुहिम तक क्योंकि हमने टिक्के आने तो पहले रुके मारने शुरू करे थे अब भाई नाश करेंगे टिक्के लाएंगे पहले कन्फर्म कर दिया कन्फर्म करा था नहीं तो हमने जी लाकर रुके मारे समाज में ये बात यह है कि अगर हम दो चार जने दुनिया में मतलब देश में इतना सारा रुके मार मार के बच सका जब सारे भाई लाग जाए तो एक मिनट याद रखियो अपनी बात क्या समस्या आई थी भाई कोई समस्या नहीं उनका कहा गया बोला स्कूल में बच्चे नहीं बढ़ेंगे बैंक में नहीं बढ़ने देंगे बस मन चढ़ देंगे बोला टिक्के लवा लो मैंने दो टिक्के लवा लिए कोरोना के पहले मैं ऑपरेशन कराया पथरिया तो ठीक हो रहा था मेरा जी पाछा कमजोरी चक्कर आना जो मैं सारा सुखा दिया गात मतलब सुखा दिया जो मैं जोड़ा खा दिया अच्छा बर्फन छोड़ा गाट का छोड़ा भाई देखो सारे अगर ये सारे बैठे हैं तो समाज भी बैठे हैं सारा इस हालत में अगर देखो मैं इसमें बताऊंगा आपको जो यह कंडीशन है इसकी जड़ तक गए थे हम जड़ तक गए थे तो क्या होया कि जिस दिन इनने कहा था कि भाई बीमारी आई है उस तय एक 42 दिन पहले जिस तरह 1 जनवरी 2020 में तो बीमारी आई 18 अक्टूबर 2019 में एक मीटिंग होया करे मीटिंग हुई थी अमेरिका में और आप जितने भी बड़े फ़ोन ले रहे हो आप सर्च करियो उस मीटिंग का नाम है इवेंट 201 उसमें दुनिया के जो सब तमीर 150 लोगों में बैठे थे उनने क्या कहा था अब भाई जनसंख्या ज़्यादा होगी दुनिया की और ये आपने नुकसान करेगी अमीरा ने तो इन्हें निपटा दो ये बाप ये देखो वे भी परमात्मा ने पैदा करे रहा भी तो आपने खत्म करने वाले में कौन होगा बात प्योर है सही है
नहीं पढ़ी है गूगल पे या आपने पूरा दिख यार रियल पाओगी पहले क्या क्या कर दे लोग अरे सरकार पागल है के मारेगी सरकार नहीं पागल पूरी दुनिया का एक गेम खेल रहा है पूरी दुनिया में एक जाल साजी चल रही जो आम आदमी ने निमटान खतर चल रही हाँ जनसंख्या में आदमी बद रही है और उन्हें पता है बस ये कोई निर्कल नहीं बद गए तो तार पे दिक्कत देंगे एक और बात मेरा है देखो मैं आप तो बताऊँ यह बात बड़ी खराब सी भी है पर मैं आप तो बताऊँ इनने टेलीविजन पे एक मसूरी देनी शुरू करी थी जब रामायण आई थी गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए आई थी नी माला डी हर दिन गोली खाओ वे गोली जिन जिन लुगाइयों ने खाई है नी 80% तक ज्यादा की बच्चादानी काट के फेंक दी ऑपरेशन तक लिकड़ रही है नी तो इनने धीरे धीरे करके यो सत्यानाश बड़े लेवल पे करा तो ये बात यह है कि भाई जब इस लेवल पे आ गए हम इस हालत में आ गए भाई जब सबके बालक निमटान पे आ गए सबके बालक अगर ठोक दिए अरे एक और चीज़ ये भी एक आईडी लेने लग रहे पहले क्या था अगर आपके बच्चे को दवाई दी जाएगी तो पहला आपकी आज्ञा चाहिएगी आप तब बात करेंगे कंसेंट बोल रहे उन्हें पेरेंटल कंसेंट भाई माँ बाप तक पूछ कर दवाई देवेंगे ये भी है उड़ान सुनो जी ध्यान था एक बार ये चर्चा बड़ी गहरी चल रही इस टाइम जो बात हो रही है स्कूल में एक आईडी बनाने लग रहे कि नहीं अपार आईडी सुना खर्च सर्च करो ना अपार आईडी बनने लग रही अपार आईडी का मतलब है उस आईडी पे माँ बाप का एक बार साइन ले लेंगे और फिर जब तक वो बच्चा स्कूल में जा रहा है जब तक कभी पूछने की जरूरत नहीं सीधा टिक्का लावेंगे सीधा गोली खुवाएंगे उनकी मर्जी परमानेंट परमिशन है वह तो ये बाप देखो कि बूढ़े त्रिमटा दिए खिंडके वाले तो रहे नहीं या जो नई पीढ़ी बच रही है छोटी जो थोड़ी उम्मीद है उसने निमटान का प्लान है आगे अपार आईडी आप देखोगे आप करोगे के तो फिर नाशे करेंगे इतना कर दिया इतना रो गया नहीं रहोगा के मैं तो रंदा ही कुछ नहीं है तो राम राम अच्छा अच्छा अपना समाज हम तो न्यू कह रहे फिर बड़ी जा है हम तो न्यू कह रहे वो नुगा देखवा बात दिखला रही नुगा हम तो सच्ची बात कह रहे जनता के भीतर में जो दर्द है उसने पूछ लिया सही बात सही है नहीं ये भी है भाई ये तो बात हुई थी सारे बुजुर्ग से बात हुई बात ये हो रही अग जीव लठ मार रहे जमींदार का है जब तो ये कोई लवन लगता अरीब सारे पाए हमें पड़े तो इन कहीं भी लठ लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए फिर हम नहीं कह रहे लठ लगने चाहिए ये बात क्या नहीं तेरी ठीक है नहीं यार तो तेरी मैंने की तो बस यही मुद्दे की बात है कि भाई जमा बर्बादी कर दी बर्बादी कर दी कर दी नहीं ये भी ओ भाई बैठा पीछे है नुका मैंने टिक्का लुआ था जमा शरीर का नाश हो गया और इसे इसे तो कह लग रहा और गांव में मेरे ख्याल तो सारे बुजुर्ग वैली होंगे राम राम हमारी बात ठीक चल रही फिर इसका क्या कराएं सुई वाली ठीक चल रही अरे ये बालक बैस बैस के ब्याह कर जो माँ बापा की बेइज्जती लग रही है वह तो गलत है वह भी गलत है तो फिर इसका कोई समाधान नहीं क्या समाधान है भाई दुनिया का के समाधान का क्या बताओ ना ना एक और चीज है नी अगर आपके सुनो ध्यान है अगर आपके बच्चे के दिमाग में एक बार कचरा डाल दिया नी फिर एमएलए मर जाओ एमपी मर जाओ बच्चा तो बर्बाद हो लिया क्योंकि रोला तो उरा है नी हमने कभी आन चलाया एक दो साथियों ने करा आप द्वारा वीडियो आएगी पूरी नंबर ईंट और टेलीविजन के मैं को पार टेलीविजन 10,000 का बालक की जिंदगी कई करोड़ की भी नहीं और अरबों खरबों की भी नहीं मतलब कीमतें नहीं उसकी तो आप अपने बच्चे के बराबर में क्या टेलीविजन न फोड़ सको अगर आप अपने बच्चे के बराबर में टेलीविजन न फोड़ सको और इंटरनेट ने इतना चलाओ कुछ तक ना दो काम काम का तो बालक बच्चा भाई नहीं तो कोई राह नहीं भाई है सख्त होना पड़ेगा सारे जमा पूरे सब गाँव ने सख्त होना पड़ेगा जमा परिवार हर परिवार सख्त होगा नहीं जिप जाएगा फिर ये मुंह उठानी चाहिए अपने बैठानी चाहिए अच्छा बालक बर्बाद करने खातिर ये टैब आए सरकारी स्कूल में टैब बंडे याद आपका है नहीं भी दे रखे थे ओ या और बात है कि नहीं है कि याद जो सुनो ध्यान तक जितने टैब आए नहीं 82% टैब में नंगी फिल्म चली हाँ उसमें सॉफ्टवेयर करवाए गए ब्लू फिल्म चली है नहीं तो भाई इसका तो फिर समाधान करना चाहिए अपने कारण मेरा क्यों रहा प्रोग्राम चल रहा पढ़ाई का और बराबर में नंगी फोटो आएगी
उसका क्या करोगे भाई? ना उसका समाधान, कोई समाधान नहीं, वो तो आएगी उसके अगले टेलीकास्ट ऑनलाइन, टेलीकास्ट ऑनलाइन। वे जो आ रहे हैं उन बालक ने रोकने का, उन बालक उन गंदगी ने रोकने का एक तरीका है भाई, थम बाड़ में जाओ, हम अपने बालक ने अपने गांव के जो पढ़े लिखे बालक उन पर पढ़वा लेंगे भाई, हमने कौन चंदा था पढ़ा, इस गंदना अपने दो रखो, हम तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे भाई। और दूसरी बात, छोरे छोरी इकट्ठे क्यों पढ़ाओ भाई, हम तो अलग अलग पढ़ा लेंगे, पहला भी तो पढ़ा कर दे, क्यों ताऊ। तो यो जो साजिश थी इस पर तो आप दोबारा गांव में आवांगे फिर बात करांगे। थोड़ी सी बात लेकर जाऊं भाई, अपने वेदा में सिद्धांत में अभी लिखी गई है, अगर भाई बेबे मतलब गाबरू है नहीं, मतलब मैच्योर हूं, मैं भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मैं भी कदे इकट्ठे कमरे में नहीं सोने चाहिए, जमा सही बात है, इंसान की फितरत तो मतलब दिमाग में गलत भी मानसिक विकृति आना, तो फिर जो करो ये 10वीं 12वीं के बाला इकट्ठे बैठे हैं तो उनके मन में विचार आवे आवेंगे, इसलिए दूर दूर रहने चाहिए इसमें। तो और मैं अगर मैं बात जोड़ूं, इन न जानबूझ के 11वीं 12वीं की किताबों में वे चैप्टर डाल दिए जो प्रजनन अंगों के थे, और छोरे छोरे इकट्ठे बिठा दिए, तो योर वाला मैच गया। 5 मिनट रुकियो ताई, तो बात करा फिर आप बात करा, ताई आ जाओ, राम राम ताई, सारे राम राम, राम मारी बात सुनी है के काम की है अच्छा देख, हम तो ताई हम तो पिछले 5 साल तो जमा नहीं लाग रहे फिर लोग भी नहीं रहे, सारे निमट दिए कोरोना के टीका ले रहे हैं ताई। उसका भी बताओगे, उसका भी आराम बताओगे। अच्छा एक बात बताओ, आप घर बैठे बैठे अरे आप अपनी दर्दा ने रोंद रहे, अरे ना अपनी पड़ोसी का बतावा, ना पड़ोसन का बतावा, ना चाचा ताऊ ना भाई ना बहन ना भाभी का, कुकर बात बनेगी ताई, कौन नहीं बनती, कौन नहीं बनती, तो फिर बताना शुरू करना पड़ेगा कि नहीं, डिमरा फोड़ना पड़ेगा कि नहीं, कम से कम अपना डिमरा फूट कर शांति आवे अगले का भी नहीं, अभी तेरे भीतर की बात या कह रहा है ताई, तो फोड़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ख्याल तो सारिया की उम्र 50 तो ऊपर की होगी है नी, कौन सी ने ऑपरेशन दबा एग्जाम में थे, अरे अच्छा ठीक है, अगलिया में कितने ऑपरेशन था, काम नहीं करती गए ना, देखो इसमें इसमें एक और बात नहीं, सुनो सुनो, देखो इसमें बड़ी कमाल की बात यह है, मैं ना धक्के नहीं, अगर आप न्यूको के धक्के खाते फिरा करते फिर उन्हें धक्के क्यों खाएंगे, चलो न्यूको हम काम करते फिरा करते, भाई सुनो मैं बताऊंगा क्या है, इस टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे अगर भाई ए छोरी ताई सुनिए, ए छोरी तो पढ़ ले, मैं कर लूंगी काम, तो फिर वह कुकर काम करेगी पढ़िया पीछे, तो वही तो काम कह रहा है, जो सी आपका बहु है रही में किसी और की छोरी है, जो आप आपकी किसी के जारी कह तो सही है, सब ना करे, हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, थम पढ़े मेरे ख्याल स्कूल में एक आधी कोई सी जारी होगी, 5-5 4 से पंच क्या पढ़ी, 10-5 10 पढ़ रही, अच्छा कोई सी ने दिक्कत आई समाज में, ये जितनी ज्यादा पढ़ ये अनपढ़ बैठी इनके बराबर में इतने दिक्कत आई, अगर ये बोली है समझदार होंगी, फिर जो उनकी आज वाली हमें किसी है और जो उनसे ये उल्टे जो चक्कर चल रहे, किसी के लिए बैठ गए, किसी के लिए गलत बात हो रही, ये भी तो हो रहे। अच्छा देख हम तो एक काम कर, कोर्ट ने खो दिया, कोर्ट ने क्या कराया, पीछे मिला ताई, उरा 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 पीछे देवा कोर्ट ना खोया, और माँ बाप क्या करेंगे, सरकार ने खो दिया यू काम, माँ बाप माँ बाप ना तो नहीं होता कोर्ट ने क्यों दिया। अच्छा एक एक और बात, एक और बात बताओ, सारे के हाथ सुनो, तो सारे के हाथ में तो लट रहे, सारे के हाथ में लट रहे, एक अपने काम की जनसंख्या कितनी होगी, 20,000 होगी, अब पूछा ए जावा 20,000 होगी ने अपने काम में लोग, फिर हम जैसे गांव में फिर जाए तो हो जाएंगे इकट्ठे, पक्की बात है, फिर तो बन जाएगी यूनियन, थोड़ी घनी सारा हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, और 50-100-200 कुछ तो इकट्ठे होंगे, फिर इनने तो सुथरे डाल पोई था, जो पौनी चाहिए उन्हें कौन पौधे,
अच्छा देखो हम जो काम कर रहे इस टाइम क्या हो रहा है, हम न्यूज सोच रहे थे ताई, एक मिनट सुनिए, हम न्यूज सोच रहे थे और तो सारे कोई किसी के पीछे फिर है, कोई किसी के पीछे फिर है, इन राजनीति आला गेला है, कोई किसी का अपने नौकरी लुवाने के चक्कर में नौकरी किसी की रह नहीं रही क्योंकि रह नहीं लागे कड़ा है। लेकिन फिर बात ये तो मरवावे है, अगर कोई मेरे पर का सवाल पूछ लेगा चोट मरवाएंगे, मरवा भी दे पीछे एक जने ने मरवा दिया और ठीक काम है तो सीधी गंडासी मरवा दी सिर में, उन्हें सवाल पूछ लिया था तो ये चीज़ है। हम कोशिश कर रहे इन भाइयों के नंबर लेके जावांगे, दोबारा फिर आवांगे, ठीक है, आपने इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं अपने बालक की बर्बादी है ली ना, तो देखो ना तो डांगरों के बीज रह रहे, ना जो अच्छी नस्ल के जोटे, ना खागड़ डांगर, ना खेतों के बीज रह रहे सारे दुकान के, और बाल जी कह लग रहे जितने टिक्के लग गया लग गए हैं उसके बाद बड़के नहीं हो रहे। के था दाई तीन दिन ताप चढ़िया, बड़े छोरे टीका लुआ था, तीन दिन ताप चढ़िया, हमने नहीं टीका लुआ ना, हमने पड़न दी रु बतेरे बकाए नूने होवे गई तेरी पिलसनी पे, मतलब पिलसन बनन दी, मतलब लुआंदी नहीं, मतलब ना नहीं लुआ, मैं नुआ नहीं, हमने नहीं किसी मानस ने लुआ, एक पूरा घर बचाए गए, पूरा घर तो बचाए गए भाई, हमने नहीं लुआ, हमने लुआ जमा कभी नहीं लुआया, नहीं आपका भी कर लेंगे समाधान करेंगे, नहीं बहुत सारी गलती तो लग गए हैं लेकिन यह बड़ी परेशानी आई, तो फिर एक काम करा उरे, तो मेरी ख्याल डेली आने का काम होगा आपका, डेली आओ तो फिर आप इसने अपने काम में मुहिम बनावांगे। हम के सोच रहे हैं देखो जिस तरह पर तो बात करें, सारी सारी माँ बैठी है, नहीं हम तो कुछ अपने स्वार्थ की बात को नहीं कह रहे, जीव तो ताई जीव तो अपने बालक का तो पूछेगी नहीं, उन भाइयों तो हम बात कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, क्यों ताई हम के सोच रहे हैं देखो, जो यह समस्या है नहीं, जो यह समस्या है, यह समस्या आपकी को नहीं, हम कैल छत्तर में थे, डोला में थे, सारी जगह जो या माँ माड़ा जो वर्ग है नहीं, और ये जितना समाज है सारा रोन लग रहा है भाई कानून ना है, हम धीरे धीरे समझ लग रहे, जी समझ माओगे जी भी करांगे भी, तो हम क्या कर रहे हैं, सारे गाँव में जितनी माँ तैयार होएंगी, जितनी औरतें तैयार होएंगी, उन्हें क्योंकि आपका आपकी रिश्तेदारी कड़ी है, आपका पियर कड़ी, ससुराल कड़ी, नहीं सब एक दूसरे तक जुड़ रहे हैं, तो एक ईसा करांगे जब कई हजार औरत तैयार हो जाएंगी, नहीं कट्ठी आवाज देवांगे भाई हमने चंदे अखबाड़ जो कोर्ट के कानून है, ठीक है, नहीं हो विरोध तो करना पड़ेगा, नहीं तो नाश्ता दिया बालक बर्बाद कर दिया जमा। चलो बड़ी मेहरबानी ताई, फिर मिलेंगे आप तो एक दो दिन में आ गए, फिर जितनी थोड़ी बहुत बच रही उसने तो बचा लिया, मान लिया क्यों मान लिया उसमें टंकी में क्यों कट डे, उसमें तो आधे एक तो खराब हो लिए, बाकी तो पिछना करके काट देंगे, तो जितना भी होगा बचेगा और जितना बनेगा उस तो पिछना करांगे, ठीक है ताई। तो भाई देखो उरान मतलब पूरे समाज की बात करने लग रहे थे आप, और ये भाई उरा बहुत देर तक बैठे, तो ये आपने देखे इस भाई ने परेशानी बताई अपनी, जो इन खेल खेला था पूरी दुनिया में, नूंगे था वो भाई बैठे थे उरान, और भी मेरे जाली है मेरे ख्याल था, और जो अग्निवीर वाला खेल था वो भाई इसका भुगत भोगी है, ऊपर तक जो टिक्की वाली बात है वह भाई ने बताई थी, तो फिर ही पापा अगर एक काम कर सका आप दोबारा संपर्क करके गांव में एक मीटिंग करा 10-20-50 आदमी की कर सका, इलेक्शन पीछे ये तो कोई बन दी ना बात, देखो आवांगे हम जीबे जी बाप ने नू लगा भाई बात तो काम की थी करना चाहिए, जुगर परस हमारे बीच में जो मैं बढ़िया जगह है, करण में कोई दुख नहीं, लोग भी आऊंगे। चलो भाई देखो पूरा मेरे ख्याल से पूरा समाज आएगा, नूंगा में ओ, नारी शक्ति बैठी है, उरानी है भाई बैठे, समाज बैठे, ताऊ चाचे बैठे, मेरे ख्याल से तो पूरा समाज आएगा, क्या कह रहे आप कुछ कह रहे थे भाई, कानून यू है जो करे यू लड़कियां का तो माँ बाप की सहमति के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए, माँ बाप खुश नहीं है, 18 साल की करे हैं, पढ़ा हुआ है, अच्छा इस बात में तो एक और याद आएगा जमानू टेम पे न्यू भी बेरा लग गया, छोरा छोरा भी ब्याह कर, छोरी छोरी ब्याह कर रहे इकट्ठे, देखो जी आजकल यू मान ले को देश का मान ले वो है दुर्भाग्य है,
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या जो लड़का लड़का शादी कर रहा है, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। ठीक बात। एक और हो रहा, वो लिंग परिवर्तन करवा रहे, छोरा छोरी बन जाए, छोरी छोरा बन जाए, न्यू भी हो रहा। तो ये सिस्टम कल चल रहे हैं जो मतलब नेचुरली चीज है नहीं उसका, मतलब ये देखो जो एक भाई कहाँ गए, जो हमारे को दे दिया उससे हम संतुष्ट हैं और उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए। जो यो नेचुरल की बात कही थी नी, या बात पशुओं पे गर्भाधान पे भी लागू होवे। अगर पशु प्राकृतिक तरीके से गर्भाधान हो रहा है तो वो अगला पशु बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ये टिक्के लग गए, क्योंकि इस तरह क्या हुआ है, जब काम जाग गए शरीर में, कामुकता जाग गए, तो उसमें क्या होगा कि मानसिक संतुलन पे बात जावे। और अगर शरीर उसका मन तो कर रहा है मीटिंग का दोनों जेंडर का, और उसका दे दिया टिक्का, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, और पशु का मानसिक संतुलन बिगड़े तो उसकी अगली पीढ़ी भी बर्बाद होगी। तो कहने का मतलब कि एक बहुत बारीकी तक समाज को सोचना पड़ेगा। अपन इस समाज में बात करे ली, जो सरकार कानून ला रही है नी, ये बिल्कुल गलत है और समाज के हिसाब से चलना चाहिए। पब्लिक है, जो पब्लिक मान लो एक जनता में और उधर संसद में बिठावा चुनकर, तो उसको ये समझना चाहिए कि भाई पब्लिक के साथ ये कानून गलत है पब्लिक के हिसाब से। क्योंकि अच्छा एक बार बताओ, जय आप न्यू देख लिया अकापा ने ओके अगर नहीं, अगर जब मारनी मतलब मारनी तो बचानी है ठाडा होवे, जब बचानी है मारन लाग जे फिर की करा, फिर वो गलत है जी, फिर तो नाश हो जाएगा। नहीं तो जिन आप न्यू कह रहे हैं कि आप आ जाएंगे, आप अपने प्रतिनिधि भेजा और मैं अपन बचावेंगे। आप एक बात देखियो, लास्ट बात कह रहे होंगे आज की चर्चा की, फिर मिलेंगे इन भाइयों से। आप चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक किसी से पूछियो क्या सेम गोत्र विवाह ठीक है या चाचेता हुआ में शादी ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। समलैंगिकता को भी मना कर देंगे। लेकिन अगर मोदी या मोदी यानी कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, उनके इस बात के बावजूद उन्हें ये कह रहे हैं कि हिंदुआ, और हिंदुओं में तो वैसे ही गलत है, चलो दूसरा की बाद में बात कर लें। हिंदू समाज के पुरोधा राजा होंगे वे इस कानून को लेकर रहे हैं कि समलैंगिकता लागू कर दो और ये अवैध संबंधों का कानून लागू कर दो। इसके बाद गलत है भाई, तो इसका मतलब ये है कानून बनाने वाले इन चोरों के बाप कहीं और हैं, और उन बापों को समझना पड़ेगा और उनकी साजिश समझनी पड़ेगी। उसके बाद साजिश समझ के ये समाज जो बैठा है, जो आप बात कर रहे थे पिछले काफ़ी समय तक, इनको देखना पड़ेगा तो बात बनेगी। और इसका प्रैक्टिकल, अभी तो आपने चर्चा करी है समाज में अपने भाईचारे में, इसका प्रैक्टिकल जो परिणाम है और प्रैक्टिकल काम है, इसके बाद जैसे भाई ने कहा इलेक्शन के बाद आप मिलेंगे तो करते हैं। और इस अच्छी चर्चा के लिए भाई सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा भाई सारे परिवार से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद।